इंदौर के पिपलियाना स्थित ब्रिज का निर्माण कार्य जारी है। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर आवागमन में लोगों को काफ़ी सुविधा हो जाएगी, लेकिन वर्तमान में ही ब्रिज के लोगों के स्वास्थ्य का केंद्र बना हुआ है। दर्शन इंदौर के मॉर्निंग वॉक क्लब के सदस्यों द्वारा ब्रिज के ऊपर योगा व डांस थेरेपी की शुरुआत की और देखते ही देखते क्षेत्र के एवं आसपास के लोगों द्वारा इसे योगा व डांस थेरेपी से जुड़ते चले गए और अब सैकड़ों की तादाद में लोग सुबह 5 बजे यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और उसके बाद शुरू हो जाता है योगा और डांस थेरेपी क्लास। आज क्षेत्र के लोगों ने मॉर्निंग वॉक क्लब के सदस्यों का सम्मान किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय पार्षद वंदना पति कमल यादव ने लोगों को आश्वस्त किया कि ब्रिज का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर ब्रिज के नीचे नगर निगम के माध्यम से योगा क्लास चलती रहेगी। यही नहीं कि क्लास में आने वाली भावना, जिसका सिलेक्शन BSF में हुआ है, भावना ने भी लोगों से मॉर्निंग वॉक में आने की अपील की। पर उसके बाद में एरोबिक कराया जाता है, योगा कराया जाता है, सभी बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहे, ऐसी मेरी कामना है। यही मेरा मतलब सभी बच्चों को योग के प्रति जागरूक करना ये हमारा ध्येय है। और यहाँ पर जो भी अतिथिगण आते हैं समय समय पर बच्चों के लिए कुछ न कुछ नाश्ता वगैरह का प्रबंध करते हैं। पार्षद महोदय आज पधारे, इनके लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ मैं सभी की तरफ से। बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन में बच्चे बहुत परेशान थे, हम लोग एक दिन आए तो ये हमने सोचा कि इस ब्रिज पे अभी आवागमन नहीं है तो हम क्यों ना इस ब्रिज का यूज करें। तो पहले दिन आए थे, सभी लोग आए थे, तो हमने किस तरह की यहाँ गतिविधि चलती, योग चलता सुबह यहाँ पर बहुत अच्छा सिखाते हैं मतलब। और हम लोग है ना सुबह मतलब 4 बजे रात से उठ जाते हैं और 5:30 बजे यहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और सारे बच्चे मतलब एक्टिविटी वगैरह, और लॉकडाउन में मतलब अभी स्कूल कॉलेजेस सब बंद है तो उसको देखते हुए मतलब यहाँ पे आ जाते हैं सुबह से, तो अच्छा लगता है। और सिलेक्शन के बारे में बताइए। मेरा BSF में सिलेक्शन हुआ है, अभी जनवरी तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। और क्या संदेश देना चाहते हैं सर? आप क्षेत्रीय पार्षद भी हैं और आपके क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे? देखिए, एक बहुत अच्छी गतिविधि जो एक्सरसाइज करा के लोगों को मोटिवेट करके मतलब स्वस्थ बनाना एक बहुत बड़ा योगदान होता है। वो MW टीम जो कर रही है वो वाकई में सराहनीय काम है और मैं बड़ा खुश हुआ हूँ यहाँ पर आकर। और जब भी आया हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सभी के बीच में एक्सरसाइज करता हूँ। और अभी देखेंगे आप, बहुत सारी बच्चियाँ भी जो हैं एक CFF मतलब जो है उनका सिलेक्शन हुआ है, लेकिन उसके साथ और बहुत सारी बच्चियाँ भी हैं, वो बहुत सारी एक्टिविटी करती हैं और दूसरे बच्चों को भी सिखाती हैं। इसी तरह से यहाँ गुरुजी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, बहुत सारे लोग जो हैं, लाड साहब हैं, बबलू भैया हैं, पूरा इनका जो ग्रुप है वो बहुत अपने आप में एक अद्भुत ग्रुप है। और सभी लोग मिलजुल कर यहाँ पर जो है कार्य करते हैं, सबको एक्सरसाइज कराते हैं। आप देखेंगे धर्मेंद्र खंडेलवाल जी भी एक्टिव लगे रहते हैं, धर्मेंद्र खंडेलवाल जी भी, और पूरी टीम लगी रहती है।